बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पास्ता। वो मैं कैसे बनाऊँगी और उसमें क्या क्या मैं डालूँगी। सबसे पहले मैंने पास्ता लिया 1 किलो, बोनस चिकन का बोनस 1 किलो, चीज़ जो चेडर चीज़ है और मज़रेला दोनों को मैंने मिक्स किया हुआ है 250 ग्राम, 1 कप स्वीट कॉर्न मकई के दाने और 1 रेड पेपर, 1 ये लिया है, आप चाहे तो ग्रीन भी डाल सकते हैं। खड़ी पाउडर 1 चम्मच, 1 प्याज, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा ऑयल 4 से 5 चम्मच तेल के और टमाटो प्यूरी। सबसे पहले मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, ये 5 गिलास पानी है। इसमें मैं थोड़ा सा 2 चम्मच इसमें ऑयल डालूंगी, ये वेजिटेबल ऑयल है, इससे जो है ना पास्ता आपस में जुड़ता नहीं है। अब मैं पास्ता इसमें डाल दूंगी। पास्ता डाल के अभी इसको मिक्स कर लूंगी। ओके, मैं इसको कवर कर देती हूँ, ऐसे मिक्स करके इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। तब तक मैं अपना प्याज वगैरह काट लेती हूँ। अब हमारे 10 मिनट गुजर गए हैं, मैं पास्ते को चेक करती हूँ। पास्ता हमारा जो है ना वो गल गया है। अब इसको मैं किसी टोकरी में डालकर इसका पानी जो है वो रिलीज करती हूँ। अब मैंने हंडिया लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, इसमें दायर रखना। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, ये 1 प्याज है। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां जो है वो डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को दूसरी सब्जियां पसंद नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ स्वीट कॉर्न इसमें डालती हूँ। और मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी। अब हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो गया, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। इसमें डाल देती हूँ, अब इसमें मैं नमक, करी पाउडर, आप चाहें तो करी पाउडर डाल सकते हैं, अगर आपको स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप इसी तरह भी बना सकते हैं। ये जो है ना ये चिकन पास्ता है। अगली रेसिपी जो मैं ना बेक पास्ते की भी आपको दूंगी, वो भी बहुत अच्छा रेसिपी है और जल्दी तैयार हो जाती है। अब इनको को 2 से 3 मिनट के लिए मैं मसाले को अच्छी तरह भूनूंगी। अब हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है, अब इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। इसमें डाल देती हूँ चिकन को, मैंने धोकर रखा हुआ था, और मिक्स करके इसको कवर कर दूंगी 4 से 5 मिनट के लिए। अब मैं चिकन को चेक करने लगी हूँ। मसाला हमारा चिकन जो है तैयार हो गया, आप इसमें मैं सब्जियाँ डाल देती हूँ, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न। अब इसको मैं मिक्स करूँगी और 3-4 मिनट के लिए इसको पकाऊँगी। अब 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं, अब इसमें मैं पास्ता डाल दूँगी, पास्ता सॉस। सब्जियों को ज़्यादा कुक करें तो वो जो है ना नज़र नहीं आती, इस तरह थोड़ा थोड़ा कुक करके साबत साबत रहने दें, फिर वो पास्ते में अच्छी लगती है। आप इसको 2 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी और उसके बाद इसके अंदर मैं पास्ता डाल दूंगी, कवर कर दूंगी इसको 2 मिनट के लिए। अब हमारे जो है ना पास्ता वो प्यूरी जो है वो तैयार हो गई, अब इसमें मैं पास्ता डाल देती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको डालूंगी और मिक्स करती जाऊंगी।
देखिए हमारा पास्ता जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं जो है ना इसके ऊपर चीज़ डाल दूँगी और गैस को 10 मिनट के लिए इसके कवर करके गैस की आंच जो है वो धीमी कर दूँगी। दस मिनट गुजर गए, अब मैं अब चेक करने लगी हूँ। माशाल्लाह देखिए हमारा चीज़ जो है वो मेल्ट हो गया है और हमारा पास्ता चिकन वाला तैयार हो गया है। अब मैं इसको सर्व करने लगी हूँ और आपको दिखाती हूँ, देखें कैसे चीज़ जो है ना वो मेल्ट हुआ है। हमारा चीज़ चिकन पास्ता जो है वो तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।